नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट वन महाराष्ट्र बोर्ड की। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन सा सिलेबस जो है वो डिलीट हो गया है। तो आप ये देख लीजिए, आपके सामने बुक है, टेक्स्ट बुक है। ये हम इंडेक्स पे आ गए हैं और हम आ गए हैं अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर वन पे। तो यहाँ पेज नंबर टू देखिए आप, ये जो येलो क्वेश्चन जो यहाँ पे कट किया हुआ है, ये आपका एग्जाम में नहीं आ रहा है, आप ये देख लीजिए। ओके, फिर आते हैं हम पेज नंबर थ्री पे। पेज नंबर थ्री पे भी आपका जो सम नंबर टू है, ये भी आपका एग्जाम में नहीं आ रहा है, ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद में हम आते हैं पेज नंबर फोर पे। फोर पे जो येलो पोर्शन है, ये जो मार्क किया हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। पेज नंबर फाइव पे आते हैं। फाइव पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर टू का वन आ रहा है, वन है, टू है, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, ये आपके एग्जाम से डिलीटेड हैं। सेवन और एट आपको करना है। अब आते हैं हम पेज नंबर सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन तक कुछ नहीं है। सिक्सटीन में आप देखिए, हमारे पास में लेट्स लर्न में एक टॉपिक है, आप ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है हमारा एग्जाम में नहीं आ रहा है। साथ साथ में टेक्स्ट बुक लेके मार्किंग करते चले। पेज नंबर 17 में सॉल्व एग्जाम्पल, ये पूरा आपके एग्जाम में नहीं है। फिर उसके बाद में टू भी नहीं है पेज नंबर 18 का। 19 पूरा ही डिलीटेड आपके सिलेबस से, 19 डिलीटेड है। 20 पूरा है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक कुछ भी डिलीटेड नहीं है। 28 में आप देखिए, हमारा जो प्रॉब्लम सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है, तो पूरे के पूरे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन उसमें हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशंस, ये डिलीटेड है आपके सिलेबस। फिर आते हैं 29, 30। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो सेकंड चैप्टर है हमारा, इसमें भी थोड़ा पोर्शन है जो डिलीटेड है हमारे पास, तो आप देख लीजिए। हम आते हैं पेज नंबर 37, पूरा का पूरा डिलीटेड है आपके सामने। पेज नंबर 37 में कुछ भी नहीं आ रहा है। पेज नंबर 38 भी आप पूरा डिलीट कर सकते हैं। 39 में प्रैक्टिस सेट 2.3 में जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। 40 में कुछ नहीं है, 41 में कुछ नहीं है, 42 पूरा आपके यहाँ से एग्जम्प्ट कर दिया गया है, पूरा डिलीट है। 43 में एक्टिविटी हटा दी गई है, 2x² + 13x + 15 = 0, ये नहीं आ रहा है। 44 आ रहा है, 45 है, 46 आप देखिए फिर से लेट्स लर्न का जो टॉपिक है ये पूरा हटा दिया गया है। 47 पूरा होल पेज डिलीटेड है आपके सिलेबस से। 48 पूरा है। 49 में आपके पास में प्रैक्टिस सेट 2.5 में अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सम नहीं आएगा एग्जाम में। और 5 और 6 उसी पर्टिकुलर सेट में, 5 और 6 भी आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं फ्रॉम पेज नंबर 50। 51 पूरा है, 52 पूरा है, 53 में आप देखिए प्रॉब्लम सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 आपके पूरे सिलेबस से हटा दिया गया है। पेज नंबर 54 में क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है इस साल। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, दैट इज एपी। एपी आपको पूरा करना है। एपी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिलीटेड है आपके मास्टर बोर्ड से। तो हम आप देख लीजिए 66, 68, 70, 71, 72 सारे जो पेजेस हैं, 76, 77, 78, 79, 80 तक कुछ भी डिलीटेड नहीं है। बट आपको उसमें डिलीट नहीं किया गया तो फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी सारा डिलीट है, उसका पूरा बदला दिल खोल के निकाला है। तो आप यहाँ टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ डिलीट करने के लिए तैयार रहिए। तो अभी देखिए पेज नंबर 94 पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जो टॉपिक है, ये आपका डिलीटेड है। तो ये थोड़ा ही है, मैं आपको और खुशी देता हूँ। पेज नंबर 97 डिलीटेड है, 98 डिलीट है, 99 डिलीट है, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस डिलीट है फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें आपको थोड़ी खुशी होगी बिल्कुल। 109 कुछ नहीं है, 10 नहीं है, 11 में प्रॉब्लम सेट 4B, ये पूरा 1, 2 पूरा डिलीट है। और वहाँ से पूरे 11 सम्स नेक्स्ट 112 पेज के वो भी डिलीटेड है। अब आते हैं नए चैप्टर पे, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, इसमें भी थोड़ा सा डिलीटेड है, ज़्यादा खास डिलीटेड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी भी, तो तकरीबन बोर्ड ने पूरा ही चैप्टर रखा है। चैप्टर नंबर 6 स्टैट्स में हम देखते हैं। स्टेट्स में थोड़ा बहुत है जो डिलीटेड है, पेज नंबर 132 पे आ जाइए, जहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिया गया है। और उसके बाद पेज नंबर 133 पूरा ही सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37, 138 में एक चीज़ देख लीजिए, प्रॉब्लम ये जो सेट है हमारे पास,
6.1 इसमें 1 और 3 आ रहा है, और 2, 4, 5 एंड 6 ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और 139 पूरा आ रहा है, 140 भी पूरा है, 41 पूरा है, 42, 43, 44, 45, 146, 147, 148, 149 तक कुछ खास डिलीटेड नहीं है। आगे हमें थोड़ा एबिलिटी देखने को थम्स मिलेंगे, आप डायरेक्टली आ जाइए पेज नंबर 159 पे आप देख लीजिए, लेट्स लर्न रीडिंग द पाई डायग्राम। तो आपके सिलेबस से इस बार पाई डायग्राम पूरा निकाल दिया गया है, लेकिन पाई डायग्राम आप अपने लिए लर्न करते चलें। अभी आप 10th में हैं तो ऑब्वियसली आपको मालूम होगा व्हाट पाई डायग्राम्स आर, बट फिर भी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा जरूर, आगे काम आएगा। 159, 160 रिलेटेड है आपके, 161, 162 पूरा आ रहा है। हाँ, 164 में सम नंबर 5 एंड 6 जो हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, और आप देख लीजिए उसी के साथ साथ उसी में कंटिन्यू आप जो मिसलिनियस प्रॉब्लम 6 जो हैं इसमें आपका प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 4 आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, और उसी में ही कंटिन्यू करते हुए प्रॉब्लम नंबर 14 जो है अगेन पाई डायग्राम पे डिपेंड है, इसलिए इसको भी आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। और लास्ट जो है हमारे पास 168 पेज नंबर का सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स, फिर से पाई डायग्राम है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है, आपके आगे यहाँ आपका सिलेबस खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए क्या क्या डिलीट हुआ है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम अगले ही दिन मैथमेटिक्स 2 लेके आ रहे हैं कि उसमें क्या क्या डिलीट हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।